राम भक्त हनुमान की आराधना हर साधक को मुक्ति और मोक्ष दिलाती है। धन की समस्या हो या सेहत से जुड़ी बाधा, संकट से छुटकारा चाहते हो या विद्या बुद्धि का वरदान, हर समस्या का समाधान है वीर हनुमान का ध्यान। हनुमान जन्मोत्सव पर अगर प्रभु हनुमान की उपासना विधि विधान से की जाए तो ऐसी तमाम परेशानियों का हल मिल सकता है। अब आपको बताते हैं कि हनुमान जी के किस स्वरूप का ध्यान करके आप अपनी कौन सी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। जगत के संकट मोचन पधारने वाले हैं कपिराज, अब भक्तों के काज सवारने के लिए आ रहे हैं। पवन पुत्र प्रभु हनुमान की जन्म की पावन घड़ी बस आ रही है। प्रभु हनुमान देंगे वरदान, धन दौलत का लगा देंगे अंबार, सुख संपन्नता मिलेगी अपार। ये दिन समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति और मनचाहा वरदान पाने के लिए बेहद फलदायी साबित हो सकता है। तो अब आपको बताते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर हनुमान जी के किस स्वरूप का ध्यान करें ताकि पूरी हो जाए आपकी मनचाही मनोकामना। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं और इस प्रसाद को घर न लाएं, वहां पर बाहर जो लोग भी हैं उनको बांट दें। ऐसा 5 से 6 सप्ताह करते हैं तो आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। स्वास्थ्य रक्षा के लिए हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करें जिसमें वो संजीवनी बूटी लिए हुए हों। हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाएं, हनुमान जी को खीर और तुलसी दल का भोग लगाएं, स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रार्थना करें। महावीर का नाम आते ही रोग दोष कोसों दूर भाग जाते हैं। अच्छी सेहत के साथ हनुमान जी बल बुद्धि का भी वरदान देते हैं। इनकी आराधना से छात्रों को विशेष लाभ मिल सकता है और पढ़ाई में आत्मविश्वास मजबूत हो सकता है। तो विद्या बुद्धि पाने के लिए आपको बजरंग बली के किस स्वरूप का ध्यान करना है, आइए जानते हैं। विद्या बुद्धि के लिए हनुमान जी के उस स्वरूप को स्थापित करें जिसमें वो रामायण पढ़ रहे हों। हनुमान जी के समक्ष घी का चौमुखी दीपक जलाएं, हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं, शिक्षा विद्या बुद्धि प्राप्ति की प्रार्थना करें। पहाड़ उठाकर हनुमान जी की मूर्ति की आराधना करने से बल पौरुष पराक्रम साहस आत्मविश्वास में वृद्धि होता है। आशीर्वाद मुद्रा में बैठे हनुमान जी महाराज की मूर्ति की पूजा करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ आध्यात्मिक शक्ति का भी विकास होता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। महावीर का ध्यान आपके सब संकटों को काट सकता है। हर भक्त महावीर से कल्याण की कामना करता है और संकट मोचन हनुमान अपने भक्तों के हर संकट को दूर करते हैं। अगर आप भी अपने सारे संकटों को दूर करना चाहते हैं, तो हनुमान जी के किस स्वरूप का ध्यान करना होगा आपके लिए लाभकारी, आइए जानते हैं। संकट दूर करने के लिए हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करें जिसमें वो गदा लेकर खड़े हों। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें, संकट दूर करने की प्रार्थना करें। बंधन से मुक्ति के लिए पंचमुखी हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। सेवक के रूप में, प्रभु श्री राम के सेवक के रूप में हनुमान जी की प्रतिमा की पूजा करते हैं तो रिश्तों में सुधार होता है, समर्पण भाव में वृद्धि होती है, नौकरी तथा व्यापार में उन्नति होती है, साथ ही समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। मारुति नंदन आपको धन लाभ का भी वरदान दे सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए आपको बजरंग बली के किस स्वरूप का ध्यान करना है और कैसे करनी है पूजा उपासना, आइए जानते हैं। धन प्राप्ति के लिए हनुमान जी के उस स्वरूप को स्थापित करें जिसमें उनके हृदय में सीताराम हो। हनुमान जी के सामने घी के 9 दीपक जलाएं और उन्हें लाल फूल अर्पित करें, धन प्राप्ति और ऋण मुक्ति की प्रार्थना करें। हनुमान जयंती के दिन अथवा मंगलवार के दिन पीपल के
पत्ते पर चंदन से जय श्री राम लिखकर उसका माला बनाकर हनुमान जी महाराज को अर्पित करने से पहनाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। मंगलवार के दिन चमेली के तिल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का लेप करने से, हनुमान जी के चरणों में लगाने से धन संबंधित समस्याएं दूर होती है। हनुमान जन्मोत्सव पर विशेष पूजा उपासना करके आप मनचाहा वरदान पा सकते हैं। तो अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कीजिए हनुमान जी के चित्र या मूर्ति की स्थापना। हनुमान जी पूरी कर देंगे आपकी मनोकामना।